सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और मैं आपका दोस्त ओंकार झा और चैनल का नाम है एग्जाम दिवस। तो आज की जो चर्चा है वो कुछ लोगों के रिक्वेस्ट पे और कुछ लोगों ने मेल पे और कुछ लोगों ने कमेंट्स में बोला। तो आज की चर्चा ये है कि बीपीएससी का अगर हमें प्रीलिम्स निकालना है तो एक आइडियल बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए। ठीक है, बुक लिस्ट फॉर बीपीएससी प्रीलिम्स। ठीक है, 70th। ठीक है, अब देखो कुछ तो दोस्त मेरे अभी भी नशे में डूबे होंगे कि नोटिफिकेशन कब आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, 17 नवंबर से ना एक दिन डेट आगे निबड़ने वाली है पेपर की, ये ध्यान रखना, क्योंकि आयोग ने सोच समझ के दिया होगा ये डेट जो दी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। नोटिफिकेशन जब भी आएगा, 15-20 मिनट का काम होता है फॉर्म भरना, उसके बाद मेन काम तैयारी ही करना है। ठीक है, तो चलते हैं और थोड़ा सोर्सेस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो बीपीएससी ने पिछले बार सबको चौंकाया था, सिवाय मुझे और मुझ जैसे कुछ एस्पिरेंट्स को, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि बीपीएससी थोड़ा सा यूपीएससी वाला खेल कर सकता है, यूपीएससी की तरह क्वेश्चन डाल सकता है, मगर कुछ लोगों ने मेरी बात मानी। उन लोगों लोग मेंस भी लिख के आए और कुछ लोग उनमें से इंटरव्यू भी दे रहे हैं, और मैं इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मैंने मेंस लिखा ही नहीं अपनी जॉब की वजह से, मैं पहले ही बता चुका हूँ। क्योंकि कई लोग ये भी पूछ लेंगे ना तुरंत कि जी आपने क्यों नहीं लिखा, तो मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मेरी जो जॉब थी उसकी ज्वाइनिंग सेम डेट पे ही थी ऑलमोस्ट। ठीक है, तो कई मेरे मित्र हैं जो इंटरव्यू दे रहे हैं अभी बीपीएससी 69th का, सॉरी। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात जो मैं आप लोगों से करना चाहूँगा, जिसके लिए मैं मुखातिब हुआ हूँ, कि प्रीलिम्स कैसे निकालें। मैंने निकाला है, ठीक है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जो मैं फॉलो कर रहा हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ, कबाड़ कचरा कुछ भी नहीं बता रहा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे हिस्ट्री की। हिस्ट्री के लिए आप सिंपल कुछ मत कीजिए, ठीक है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आर एस शर्मा, चाहे हिंद, मैं वही बता रहा हूँ जो बायलिंगुअल कंटेंट अवेलेबल है, वही बता रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, ये नहीं बता रहा कि इंग्लिश में कौन सी, हिंदी में कौन सी, जो दोनों में अवेलेबल है मैं वो बता रहा हूँ। आर एस शर्मा एंशिएंट के लिए, मिडाइबल के लिए सतीश चंद्रा, और मॉडर्न के लिए आपकी विपिन चंद्रा पढ़ लो या फिर आप स्पेक्ट्रम पढ़ लो, मेरी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है, जोन से भी पढ़ लो इन दोनों में से। मगर अगर मुझसे पूछोगे मैं क्या पढ़ रहा हूँ, तो मैं स्पेक्ट्रम पढ़ रहा हूँ क्योंकि वहां पे थोड़ा सा बुलेट में लिखा हुआ है कंपेरेटिवली पैराग्राफ की। ठीक है, तो इनको आप सप्लीमेंट करोगे लूसेंट से, लूसेंट आपको पढ़नी पढ़नी है, और साथ में आपको घटना चक्र लगानी ही लगानी है। इतना करोगे हिस्ट्री आपकी पक्की हो जाएगी। और आज की ये वीडियो के बाद कोई मुझसे बार बार ये ना पूछे कि बुक लिस्ट बता दो, ये बुक लिस्ट ही बता दो। अब अगली बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी में वन एंड ओनली लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत। ठीक है, इसके ऊपर आप जो पढ़ोगे वो पढ़ोगे लूसेंट। कुछ लोग अभी ज्ञानी मुझे ज्ञान देंगे कि लक्ष्मीकांत के बाद लूसेंट क्यों पढ़नी, तो मैं आपको लूसेंट में ऐसी कई बातें दिखा दूंगा जो लक्ष्मीकांत में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इसीलिए पढ़नी है, ज्ञानी बनने के चक्कर में लंका लग जाएगी तो मुंह बाई घूमोगे। ठीक है, तो पढ़ लेना एक बार पॉलिटी का सेक्शन, आराम से कवर कर लोगे। तो लूसेंट और लक्ष्मीकांत दोनों पढ़नी है यहाँ भी। फिर पढ़ेंगे ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी के लिए भैया सिंपल सी बात, लूसेंट पढ़ना है और घटना चक्र लगाना है। ध्यान रखना मैंने पॉलिटी के लिए आपको घटना चक्र नहीं बोला लगाने, मत लगाना, जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लूसेंट पढ़ो और घटना चक्र लगाओ, इससे ज्यादा कुछ मत करो, क्योंकि कई बार अनडिसाइडेड क्वेश्चन पूछ देंगे जिसका ना सिर होगा ना पैर होगा। थोड़ा कंसेप्चुअल नॉलेज भी ले लेना, जैसे मानसून है, मिट्टी है, इन सब की कॉन्सेप्चुअल नॉलेज थोड़ी सी ले लेना, वो लेनी है तो आप 11th की बुक पढ़ लेना एनसीईआरटी।
इससे ज्यादा करके कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि केवल ज्योग्राफी ही नहीं पढ़नी, और भी दुनिया में गम है। अब आ जाओ अपना, आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया। अब यहाँ पे भी आपको कई टीचरों ने बहुत सारी बातें बताई होगी, तो देखिए मैं टीचर तो हूँ नहीं, मैं हूँ एस्पिरेंट। मैं जो जो चीज़ें मैंने गौर करी है मैं वो बताता हूँ। पिछले बार पेपर में कंजर्वेटिव किस्म के वो पुराने वाले टॉपिक नहीं आए हैं कि आप सेम करोगे और आपका काम हो जाएगा, नहीं, कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा आपको, और स्पेशली फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। फिजिक्स में आप कंसेप्ट पढ़ लेना, जो मेन मेन टॉपिक जो होते हैं, जैसे ऊर्जा हो गया, ऊष्मा हो गया, तुम्हारा गति हो गया, लेंस हो गया, दर्पण हो गया, इन सब के कंसेप्ट पढ़ना है आपको। क्या करना है, 9th की एनसीईआरटी और 10th की एनसीईआरटी से बस फिजिक्स वाला पोर्शन पढ़ लेना, ठीक है, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और सेम ऐसा ही करना केमिस्ट्री के लिए, इतना जरूर करना। बायोलॉजी के लिए, बायोलॉजी के लिए आपको आज भी लूसेंट पे रिलाई करना है, तब भी लूसेंट पे रिलाई करना था। लूसेंट में स्पेशल साइंस वाली बुक नहीं, नॉर्मल जो जीके की बुक आती है उसमें बायोलॉजी का सेक्शन काफी होता है, ठीक है। इन सबको आप सप्लीमेंट करेंगे घटनाचक्र से, और ये आपको करना ही पड़ेगा, बहुत सारा वेटेज आता है साइंस का, तो कंसेप्ट जरूर पड़े फिजिक्स और केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का रट्टा लगाए, पेपर में नंबर बनाए। साइंस हो गया आपका, ठीक है, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स के लिए आपको देखिए बजट पढ़ना है, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, स्टेट का भी और सेंट्रल का भी दोनों का पढ़ना है, और 12th की एनसीईआरटी की दोनों बुक पढ़नी है। 12th एनसीईआरटी में है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स, और साथ ही साथ आपकी दूसरी बुक कौन सी है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये दोनों बुक पढ़ लेना, बेड़ा पार हो जाएगा। इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे ना वो कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। बाकी थोड़ा सा इसमें एक बार लूसेंट, नई वाली लूसेंट अगर किसी के पास हो जो 2023 या 24 की है, तो उससे आप इकोनॉमिक्स के पोर्शन को एक बार सरसरी निगाह से देख लेना, उसमें आपको कई सारी योजनाएं उजनाएं मिल जाएगी। और एक बात और ध्यान रखना कि गाने और योजना कभी पुरानी नहीं होती, ये ध्यान रखना। तो योजना कभी ये मत सोचना कि करंट अफेयर वाली योजना पढ़ ली, पिछले भैया 10-15 साल में जितनी भी योजनाएं लेके आए ना मोदी जी, जो करंट सेंट्रल गवर्नमेंट है और ये नीतीश कुमार जब से, सारी योजना पढ़ के जाना, कुछ भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। तो योजना पे अच्छे से फोकस करें, योजना मुहिम इन सब पे अच्छे से फोकस करें, ठीक है। इन्वायरमेंट, अभी देखो मैं क्लियर बोलता हूँ, बुरा लगे किसी को भला लगे, अभी बीपीएससी के औकात से बाहर है कि वो बहुत सारी ज्यादा चीजें पूछे, ठीक है, आप कुछ मत करना, आप लूसेंट ही पढ़ना केवल, उसमें इन्वायरमेंट का सेक्शन, लूसेंट में इन्वायरमेंट का सेक्शन पढ़ना, कोई घटना चक्र कुछ नहीं लगाने की जरूरत है, ठीक है। उसके अलावा ठीक है, इन्वायरमेंट हो गया आपका। अब मैथ्स के लिए क्या ही बताऊं, मैथ्स में जो मर्जी पढ़ लेना, मेरी खुद मैथ्स अच्छी नहीं है, दूसरों को क्या बताऊं मैं, ठीक है। अब आ जाओ, इन्वायरमेंट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर कुछ नहीं है, वही जो आप आर एस शर्मा और ये सब चीज़ें पढ़ेंगे उसी से आर्ट एंड कल्चर कवर हो जाएगा, फालतू का दिमाग लगा के अपना और मेरा किसी का टाइम ना खराब करें। हाँ, कुछ चीज़ों में फोकस कर लें अलग से, वो बाद में बता दूंगा, खैर, जैसे दर्शन है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, ये स्पेशल टॉपिक जो है, जो थीम है, इसके बारे में मैं आपको बाद में ही बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि बिहार का करंट अफेयर भी मैं लेके आऊँ तो आप बताइएगा, मैं भी इधर उधर से डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ। सिंपल सी बात है यार, मैं भी आपकी तरह वीडियोस देखता हूँ, ठीक है, किताबें पढ़ता हूँ, सब कुछ करता हूँ, तो करता हूँ। अब आ जाओ बिहार स्पेशल पे, बिहार स्पेशल पे, बिहार स्पेशल के लिए देखो, इम्तियाज अहमद सर शायद नाम है ना सर का, इम्तियाज अहमद सर वाली बुक ना मेन से टाइम में पढ़ लेना भैया, फ्री के टाइम में ना, औकात से बाहर है भी, जो बिगिनर है उसके लिए। अब एडुटेरिया की नई वाली बुक आई है, उसका डेटा पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। और देखना कि जैसे जैसे बंद रिपोर्ट है, ये सब है, वो डेटा थोड़ा नया हो उसमें, जैसे बंद रिपोर्ट 2021 में बिहार के जो शायद बनावरण है वो शायद 7.8 समथिंग कुछ है, इस बार 7.7
76 कुछ ऐसा हो गया, मतलब मुझे याद नहीं है, मतलब कुछ ऐसा ही है। तो ये ध्यान रखना, ये स्लाइट मार्जिन से ही बीपीएससी क्वेश्चन बना देगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये नया पढ़ लेना, एडुटेरिया का आप पढ़ लो, ठीक है। एडुटेरिया वाले मुझे पैसा नहीं दे रहे, आपका मन करे कुछ भी पढ़ लेना, मुझे मतलब नहीं है। मैं एडुटेरिया की बुक लेके आया हूँ, मैं वो पढ़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे वो दिखाई दी स्टेशनरी की शॉप पे, वो ज़्यादा बेहतर लगी मुझे बाकी बुकों से, तो मैं वो लेके आया हूँ। मीन्स मैं भी इम्तियाज अहमद ही रेफर करूंगा, इम्तियाज अली है, अहमद है, मुझे नहीं पता, बुक पढ़ी है मेरे पास, मगर मैं पढ़ूंगा नहीं उसको, क्योंकि उतना पढ़ने की जरूरत है नहीं, ठीक है। इसके अलावा जो मैंडेटरी चीज है आपकी करंट अफेयर, उसमें आपको क्या करना है, स्पीडी के 800 एमसीक्यू आते हैं लास्ट के, वो लगाना कब, सितंबर भाई, जब नई बुक आ जाएगी तब, आ गई होगी अभी सितंबर, 1 सितंबर तक वो लगा लो, 800 एमसीक्यू आखिरी के। और इसके अलावा आप क्या करोगे, इसके अलावा आप क्या करोगे, एक बुक आती है ई दृष्टि करके, ठीक है, अक्टूबर में आएगी वो शायद, ठीक है। तो उस बुक को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि करंट अफेयर जो आएगा ना वो यहां से आएगा, ना कि वन लाइनर, वन लाइनर के युग बीत चुके हैं, तो आप जो थोड़े से आपके एनालिटिकल क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ से इस बुक से बन जाएंगे, आप आराम से पढ़ सकते हो। मैं जो फॉलो कर रहा हूँ मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है, ब्लाइंडली मुझे ही फॉलो ना करें, आपको जो सूट करता है वो करें, ठीक है। आपके टीचर आपको अगर कोई करंट अफेयर, आपने कोई कोर्स ज्वाइन कर रखा है तो वो मुझसे ज़्यादा गुणी लोग हैं, आपको वो अच्छा बता देंगे, सीधी सी बात है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि भैया मेरे पास पढ़ो, मेरे को कौन सा तुम पैसा दे रहे हो यार कि मैं इतना लोड लूंगा। मेरा बस काम क्या है, मेरा काम सिर्फ इतना है कि जो मैं कर रहा हूँ वो मैं आप लोगों को बता दूँ, ठीक है। तो ये वाली बात होगी। हाँ, जिसने पीड ले रखा है कोर्स, भाई देखो पीड वाले बहुत मेहनत से बनाते हैं, तो आप उनका भी पढ़ोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर भी हो गया आपका, ऑलमोस्ट मैंने सबकी आपको बुक लिस्ट वगैरह बता दी है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि करंट अफेयर बीपीएससी के रिगार्डिंग मैं लेके आऊँ, खुद से मैं नोट्स बना के लेके आऊँ, सब कुछ लेके आऊँ, तो मुझे बताना, मैं लूंगा आपसे 15-20 दिन का टाइम, मैं बना के ला के दे दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पीडीएफ डाल दूंगा अपने टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, ठीक है। बताना जैसा भी हो, बस वीडियो को आप प्यार देते रहिए जैसे आप देते आ रहे हैं अभी तक, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, क्षमा कीजिएगा, हाँ, तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, और धन्यवाद आप सभी का, और लगे रहिए पढ़ाई में। सीटें सीटें इस बार आ रही है बम्पर, तो बनते हैं SDM DSP, जो समझ में आता है बनो, अपना लगे रहो। धन्यवाद आप सभी को।